दुनिया भर में अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग और लग्जरी गाड़ियों के लिए मशहूर रोल्स रॉयस लगभग 2500 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल सकता है। हालांकि इस बात का अंदाजा एम्प्लॉयज को इस साल के शुरुआत में ही हो गया था, जब टूफैन अर्जुन बिल्जिक ने रोल्स रॉयस के सीईओ का पद संभाला था। सीईओ बनते ही रोल्स रॉयस के एम्प्लॉयज को उन्होंने बता दिया कि कंपनी का एयरक्राफ्ट इंजन प्लेटफॉर्म घाटे में चल रहा है और लॉन्ग रन में इसे सस्टेन कर पाना बेहद मुश्किल है। साथ ही आपको बता दें कि रोल्स रॉयस के दुनिया भर में करीब 42,000 एम्प्लॉयज हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा यूके में बेस्ड हैं। वहीं पूरे मामले में दी गार्डियन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना की वजह से जब ज्यादातर एयरलाइंस बंद थी और प्लेन्स ग्राउंडेड थे, उस वक्त रोल्स रॉयस के एयरक्राफ्ट इंजन प्लेटफॉर्म को काफी घाटा हुआ। हालांकि कोरोना के बाद इसमें थोड़ी तेजी आई, लेकिन फिलहाल कंपनी कॉस्ट कटिंग के जरिए स्टेबिलिटी लाने पर काम कर रही है। हालांकि रोल्स रॉयस ने अब तक कोई स्पेसिफिक डेटा शेयर नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोल्स रॉयस के बैकएंड ऑफिसेस से सैकड़ों एम्प्लॉयज की नौकरी खतरे में है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रोल्स रॉयस के सीईओ ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। तो बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार जॉब कट को लेकर सीईओ टूफैन अर्जुन बिल्जिक ने कहा कि इस लेऑफ से कंपनी में डुप्लिकेसी सी कम होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। हम फ्यूचर रोल्स रॉयस के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। रोल्स रॉयस को बीते सालों में फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें अरबों डॉलर्स का कर्ज भी लेना पड़ा। वहीं अब जब कोरोना के बाद टूरिज्म में थोड़ी तेजी आई है, तो रोल्स रॉयस भी अब फ्यूचर के लिए तैयार होने की तरफ अग्रसर है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि रोल्स रॉयस के नए प्लान्स के मुताबिक अब कंपनी के टेक्नोलॉजी और सेफ्टी डिपार्टमेंट को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। साथ ही कंपनी के सीटीओ ग्राजिया विटाडिनी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीईओ ने आगे कहा कि ये लेऑफ रोल्स रॉयस के मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है और हम रोल्स रॉयस को फ्यूचर के लिए रेडी करने की तरफ पूरी तरह से अग्रसर है। अब जहां एक तरफ कंपनी के सीईओ ने फ्यूचर प्लान, सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लेऑफ्स को सही बताया, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों कर्मचारियों का फ्यूचर और सस्टेनेबिलिटी दोनों खतरे में आ गई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे भी लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहें जागरण।